आप सभी का हमारे चैनल साइंस ही साइंस में स्वागत है। आज हम आपको केमिकल काइनेटिक्स में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बताने चल रहे हैं। इससे पहले हमने आपको रेट ऑफ रिएक्शन बता चुके हैं और मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर बता चुके हैं। इसी क्रम में आज हम आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बताने जा रहे हैं। किसका बताएंगे वो भी बता दें, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसी इक्वेशन का हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ भी बताएंगे, और ये बहुत इजी है, इसको समझना भी है। जो आपको हमने रेट लिखने सिखा दिया था उसी आधार पर ये भी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहां पर एक रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे ए प्लस बी रिएक्शन करता है सी प्लस डी में बदल रहा है, और इसका ए मोल लेते हैं, इसका बी मोल, सी का सी मोल, डी का डी मोल लेते हैं। आप इससे पहले आपको हम केमिकल इक्विलिब्रियम में बताए थे वहां पर के सी निकालते थे, लेकिन यहां पर हम क्या लेंगे, रेट। वहां आप जो पढ़ते थे और यहां जो पढ़ रहे हैं उसमें अंतर है। यहां का जब रेट लिखेंगे तो केवल केवल आपको अभी से बता दे रहे हैं, पहले भी बताएं, रेट हमेशा जो हम लिखते हैं तो आपको बता दे रहे हैं, जब आप रेट लिखिएगा तो आपको रेट लिखने का हमने तरीका बताया था, उसको पीछे से आप क्या करेंगे, जो हमने बताया उसको ध्यान रखना है। और यहां पर जब आप ऑर्डर निकालते थे, तो हमने पहले बताया था कि आप केवल रिएक्टेंट को देखेंगे, प्रोडक्ट को नहीं देखेंगे। लेकिन जब हम आपको रेट निकालने सिखाए थे तो बताए थे जो रिएक्टेंट घटता है उसको हम क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर देखिए माइनस लिख दिया, और ये रिएक्टेंट अपान क्या लिखा है, टाइम। जो रेट होता है डीएक्स बाई डी, जिसको आप कंसंट्रेशन अपान क्या करते थे, टाइम कहते, एकदम वही चीज है। अब आप देख रहे हैं इसी चीज को, रेट जो है कि के, जो प्रोपोर्शनलिटी हटाते थे यहां एक के आ जाता था, ठीक है। अब रिएक्टेंट में दो चीजें हमने लिया, देखिए दोनों ले लिया, और जो इसके पहले लिखा रहता है वो इसके कहां चला जाता था, सर पर। तो देखिए ए के सर पर भी चला गया और बी के भी सर पर चला गया। अब आप देख रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब आपको हम जो बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुना। देखो बच्चों, जैसे पहले ए लिखा है, ए किसमें बदल रहा है, प्रोडक्ट में बदल रहा है, ठीक है। इफ इट इज ए रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर, ठीक है। अब इसका हमें रेट लिखना है, रेट बराबर वैसे ही जो रिएक्टेंट लेंगे वहां पर लिखेंगे माइनस। माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये घट रहा है, तो इसलिए डी ए बाई डी टी लिख देंगे, और फिर आगे की चीजें वैसे, फिर के, और आप जान रहे हैं ए है तो ए। अब आप देख रहे हैं बच्चों यहां पर जीरो हमने लिखा है, जीरो क्यों लिखा है बच्चों, जीरो लिखने का मतलब है कि जीरो ऑर्डर के लिए है, और ये जीरो आपको ऊपर लिख दिया। अब आपको मैथ में पढ़ाया गया एक्स की पावर अगर जीरो लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है, वन होता है, समझ रहे हैं। एक्स पावर जीरो का मतलब क्या हो गया, वन। तो आप यहां पर अगर वन रख देंगे तो क्या हो जाएगा, के, या इसी चीज पूरी चीज को यहां पर छोटे में दिखाया गया, देखें। अब बचा क्या इसका, अब आप देखेंगे डी ए बच गया, और ए इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो यहां माइनस के डी टी के, अब सोच रहे माइनस कैसे आ गया, तो बच्चों पूरी इक्वेशन में हम क्या कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई, जैसे यहां माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस में बदल जाएगा। देखो बच्चों प्लस में आ गया, ए इसके साथ चला जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, के डी टी हो जाएगा, और जब जैसे यहां माइनस था प्लस हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें भी जहां प्लस रहेगा वहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह यहां क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो ये नाम है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड क्यों नाम है, अगर इंटीग्रेटेड का मतलब आप समझिए इंटीग्रेशन से है। अब हम जो ये वाला इक्वेशन आएगा इसी का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन का साइन आप लोग जानते हैं कि ऐसे होता है। अब आपको देखिए डी ए यहां पर माइनस के डी डी है, दोनों आपने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब आप एक चीज और भी ध्यान देंगे, जैसे हम कहीं लिख देते हैं डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। इसी तरह देखिए आप लिखा हुआ डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स, डी टी का इंटीग्रेशन टी, ए आपको हमेशा आना चाहिए। तो देखिए डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी डी एक्स का एक्स होता है, इसी तरह डी ए का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और के कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे माइनस में। अब डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, टी हो जाता है, और इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं उसमें एक कांस्टेंट क्या लगा देते थे, सी लगा देते थे, यहां क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे, ठीक है। अब आते हैं, कहते हैं जब इक्वेशन हमारा स्टार्ट एकदम मतलब टी इक्वल टू क्या हो, जीरो, तब हमारी कंसंट्रेशन उसमें क्या रहेगी, केवल रिएक्टेंट रहेगी, प्रोडक्ट नहीं रहेगा, समझ रहे हैं। तब हमारा जो है ए नॉट के बराबर हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि ए कैसे आई के बराबर होता है। तो देखो टी इस वाली इक्वेशन में हम टी की जगह क्या रख देंगे, जीरो रखेंगे। जैसे जीरो रखोगे वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, जीरो, इसका मतलब ए इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर है। तो आप देख रहे हैं ये बराबर हो, फिर इसी चीज को जो आई बराबर आया है तो क्या है, ए नॉट के बराबर, तो उसके यहां पर रख दोगे। देखो ये नेक्स्ट इक्वेशन में यही है। अब आप सोच रहे होंगे अब फिर इसके बाद क्या करना, बच्चों इसको इक्वल के जो साइन है उसको इधर लाओगे तो किसमें बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। अब ये देख लो प्लस में है तो प्लस में रहने देना, ये इधर से चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। या इसी जो देखो एक चीज और भी रखना,
जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो किसमें बदल जाती है बच्चों, डिवाइड में बदल। तो देखो के टी है, अब ये क्या क्या यहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अगर हम के टी के बराबर निकालेंगे और टी अगर के बराबर निकालेंगे तो टी मल्टीप्लाई टी हमारा डिवाइड में चला जाएगा। तो देखो के इक्वल टू हो जाएगा 1/T और बाकी चीजें वैसे ही रख देना। अब यहां पर देखो ये लिखा हुआ है दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट कॉन्स्टेंट फॉर रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर। ये आपको हमेशा याद रखना है कि ये वाला जो इक्वेशन है ये किसके लिए है, जीरो ऑर्डर के लिए है। ठीक है, अब आते हैं जीरो ऑर्डर के जो इसका आपको ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ कैसे हम इसको इसमें देखते हैं, बिकॉज इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर। अब जीरो ऑर्डर का हम ग्राफ कैसे देखेंगे, अभी भी बताते रहे आगे भी बताते रहेंगे। जो रेट होता है क्या होता है बच्चों, रेट होता है वह जीरो ऑर्डर के जो रेट होता है याद रखना है वह इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन पर। ठीक है, लेकिन जीरो ऑर्डर का जो टी हाफ होता है वह डिपेंड करता है किस पर, कंसंट्रेशन पर। जोर देकर बता रहे हैं, ये पेपर में खूब आता है। ठीक है, अब देखो हम एक ग्राफ यहाँ पर दो ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। तो जो जो ग्राफ प्लॉट किया हुआ है वो आप इक्वेशन मैथ में जानते होंगे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस क्या होता है c होता है। उसी इक्वेशन से हम इसका क्या कर देंगे, तुलना करते हैं या कंपेरिजन कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है। देखो y एक्सिस पर हमने क्या ले लिया, कंसंट्रेशन ले लिया। ठीक है बच्चों, फिर m तो एक k आ गया, x की यहाँ t आ गया, जो ac आ गया। ठीक है, इस तरह आप देखेंगे तो आप टाइम टी कंसंट्रेशन और टाइम टी के बीच जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो देखो स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप आ रहा है ना लाइन माइनस के। ये जो एम होता है वो स्लोप बताता है, तो यहाँ क्या है के, क्या क्या है इसका स्लोप है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने आपको बताया कि यह ग्राफ देखो यहाँ माइनस है ना, ये देखो ये क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो आपको जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपको मालूम होगा कि जो उसकी कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है। जब आप सपोज दैट समय क्या ले लिए, जीरो, ये जीरो ले लिए, समझ रहे हैं ये पूरी कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम है। देखो बच्चों यहां पर है, अब आपने समय क्या किया, थोड़ा बढ़ाते गए तो कंसंट्रेशन क्या होगी उसकी, घटती जाएगी, इस तरह घटता है। ठीक है, अब देखो दूसरा है रेट और आपको दूसरा है कंसंट्रेशन में। अब आपको हमने बताया था जो रेट है वो आपको मालूम है कि एक पावर, आप यहां पर क्या है जीरो ऑर्डर कर लिए, यहां जीरो लिख देना। अब जीरो लिखते ही आपको मालूम होना जाना चाहिए एक पावर अगर जीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है, वन। क्यों, मैथ में पढ़ाया एक्स पावर जीरो का मतलब क्या होता है, वन। तभी क्या हो जाएगा, इसका मतलब रेट जो होता है इंडिपेंडेंट हो जाता है किस पर, कंसंट्रेशन पर। इसीलिए यहां पर देखो बच्चों लिखा है रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। देख रहे बच्चों ने, यही याद यही लाइन लिखना, आगे कुछ हो चाहे ना हो याद रखना, रेट इज इंडिपेंडेंट किस पर, ऑफ कंसंट्रेशन। आगे लिखा है प्लॉट ऑफ रेट वर्सेस क्या है कंसंट्रेशन विल बी स्ट्रेट लाइन ऑफ पैरेलल टू कंसंट्रेशन। इसी एसी को कह रहा है पैरेलल टू, याद रखना रेट इंडिपेंडेंट है। इसीलिए देखो ये अगर रेट देख रहे हो ना, आप कुछ कर रहे हैं ठीक है, तो आपका रेट क्या है, बढ़ घट नहीं रहा है, एकदम कांस्टेंट चलता जा रहा है। इसका मतलब कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए केवल बच्चों बता रहे हैं। ठीक है, अब आइए इसी का जो इंटीग्रेटेड आपने पढ़ा है जीरो ऑर्डर का, उसी का अब हम आपको बताने जा रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड। देखो हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होता है, कोई चीज 100% है अगर 50% कंप्लीट हो जाती है एक तरह से वही उसकी क्या है, हाफ लाइफ है, मतलब आधा होने में कितना समय लगा। देखो हाफ लाइफ पीरियड जिसको टी हाफ इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द सब्सटेंस हैज रिएक्टेड। कहने का मतलब वह समय है टी हाफ जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो क्या हो जाता है हाफ ऑफ द समय, मतलब पहले का वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, जितने समय में वही उसका क्या है टी हाफ होता है बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पेपर में आता है, इसको क्वेश्चन भी करेंगे आपको। देखिए अब जो हमारा कंसर्न जो ए है वो क्या हो जाएगा, हमारा ए बाई टू हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब जो आप अभी रेट वाला जो पढ़े थे इक्वेशन उसी में इसको क्या कर देना है, केवल पुट कर देना है। ठीक है, के टी बराबर आप इक्वेशन जानते ही है आया है, बस इसी में क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो देखो इसकी जगह ए बाई टू कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा, और यहां पर देखो के टी है, अब हमें मान लो टी निकालना है तो जो मल्टीप्लाई में रहेगा कहां जाएगा, डिवाइड में, तो अब 1/2 हो जाएगा। अब आप इस चीज को क्या कर देंगे, इसमें पुट कर दोगे, देखो ए बाई टू यहां पर पुट कर दोगे, ए बाई टू पुट कर दोगे, और आपको एलसीएम लेने आता होगा, टू से इसका मल्टीप्लाई कर दोगे फिर माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई क्या आ जाएगा 2k। अब देखो हम आपको बोले थे ना
कि जो टी हाफ होता है वो कंसंट्रेशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है, जबकि रेट क्या होता है जीरो ऑर्डर का, इनडिपेंडेंट होता है। नोट कर लो, यही पेपर में आता है बच्चों। देखो, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, यहां पर ऐसे आ भी गया जो आपको इक्वेशन में। अब देखो, इसका टी हाफ और कंसंट्रेशन में आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। मतलब आपको जीरो से स्टार्ट होगा और एक ऐसे कि मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, टी हाफ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। समझ गए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत पेपर में आता है, खूब आता है पेपर में कि टी हाफ बताइए जीरो ऑर्डर का रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है, डिपेंड होता है कि नहीं, तो आप बताएंगे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आइए, अब आपको हम एक यहां पर क्वेश्चन के माध्यम से समझाने चल रहे हैं टी हाफ को कैसे। उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि खूब पूछता है बच्चे, उसी में नहीं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत बार उल्टा सीधा कर देते हैं। ठीक है, इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट है, दो तीन कॉन्सेप्ट याद करेंगे, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन ये बात याद रखना, हम जीरो ऑर्डर के लिए ही बता रहे हैं, ऐसा ना हो कि जीरो ऑर्डर का आप फर्स्ट ऑर्डर में लगा देंगे, सेकेंड ऑर्डर में, ऐसा करना गलत है। देखिए, द टाइम टेकन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टू कंप्लीट कैन बी कैलकुलेटेड। जैसे हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बता दिया, व्हेन द रिएक्शन कंप्लीट, अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो आप देख रहे हैं ए इक्वल टू जीरो लिख लिया, इसका मतलब जो रिएक्टेंट था किसमें बदल गया, प्रोडक्ट में बदल गया। इससे पहले आपको रेट वाले में हम आपको इक्वेशन निकाल चुके हैं, तो ऐसे ही तुरंत क्या कर देंगे, यहां पर जीरो पुट कर देंगे तो के टी बराबर ए नॉट बच जाएगा। अब यहां पर जो मल्टीप्लाई में रहेगा वो कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। इसका मतलब जो टी 100% है, मतलब 100% जो आपका हुआ, मतलब जो कंप्लीट हो गया रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट किस में बदल गया, प्रोडक्ट में। तो इस तरह आप देखेंगे ए नॉट बाई क्या हो गया, के आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। फिर कह रहे हैं फॉर, आप आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा फॉर 3/4 ऑफ द रिएक्शन टू कंप्लीट, तो मतलब टी क्या हो गया, 3t/4 हो गया। अब कैसे निकालेंगे बच्चों, कुछ नहीं करना है, जो आपकी जो कंसंट्रेशन थी वो 3/4 क्या हो जाएगी, 4। फिर इसका एलसीएम लेकर इसको कैलकुलेट करना, 4 में से मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे 3, तो क्या हो जाएगा, ए 4 आ जाएगा। फिर उसकी वैल्यू इसमें क्या कर देना है, जो आपकी थी उस यहां पर इसकी वैल्यू को क्या कर देना है, पुट कर देंगे। फिर आप देखेंगे कि आपका ये, फिर इसे 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें से -1 कर देंगे, 3/4 ए नॉट बाई के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपका आ गया कि इसका किसके लिए, 3/4 के लिए आ गया। अब हम कंपेरिजन किसे करेंगे, टी हाफ से। तो देखो, 3/4 टी हाफ, इसका टी हाफ टी का कर देंगे, तो आप देखेंगे आप उसको ऐसे लिख देंगे, इसको टी हाफ का जो आया है उसको लिख देंगे। दोनों को लिखने के बाद आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया गया है कि जैसे 3a0/4 के 4k लिख दीजिएगा, फिर a0/2k ऐसे रख दिया, तो जो बीच वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाला इसके मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर इसका मतलब देखिए 3a0 * क्या हो जाएगा, 2k, फिर नीचे हो जाएगा 4k, फिर a0 से a0 कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, 2 से a करेंगे 2, तो इस तरह 3/2 आ जाएगा। 3/2 को डिवाइड करके निकालेंगे 1.5 आ जाएगा। इस तरह जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आएगा 3t/4 जो आएगा वो आएगा 1.5 टी हाफ के इक्वल आता है। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप जरूर क्या करेंगे, याद करेंगे और कहीं से गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं होने देंगे। फिर आइए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, बहुत इजी है, खूब पेपरों में आता है। आपको लिखा है द डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस। ठीक है, अमोनिया, ये देखिए बैलेंस इक्वेशन है, अमोनिया जो है कि प्लेटिनम की उपस्थिति में N2 और हाइड्रोजन में क्या हो जाता है, टूट जाता है, लेकिन बैलेंस इक्वेशन होना चाहिए। हीट एंड ट्रायल मेथड से भी होता है और कभी कभी ये दिया रहता है, लेकिन आप हमेशा याद करिएगा इक्वेशन क्या होना चाहिए, बैलेंस इज जीरो ऑर्डर विथ के की वैल्यू आपको दिया, विथ यूनिट दिया हुआ है, व्हाट आर द रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ, आपसे पूछा है N2 और क्या पूछा है H2 के बारे में। तुरंत इक्वेशन लिखिएगा, बैलेंस इक्वेशन होना चाहिए। रेट लिखने हमने बताया था कि जो घटता है और जो इसके बगल में रहता हो क्या होता है, 1/2 हो जाता है, तो आप यहाँ पर DnH2/dt लिखेंगे। अब ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट घट रहा है, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, सब कुछ सेम ऐसे लिखेंगे, फिर Dn2/dt, फिर प्लस, फिर इक्वल का साइन, फिर प्लस। यहाँ प्लस क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्शन में रिएक्टेंट घटता है इसलिए यहाँ माइनस होता है, और जो प्रोडक्ट होता है क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए प्लस लगाया। और हमेशा ये इक्वल का साइन लगाना नहीं भूलना है बच्चों। ठीक है, फिर एक 1/3
आप फिर डी एच टू आई डी टी लगा दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका काम खत्म हो गया, फिर थोड़ा सा सोचना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट के इज इक्वल टू, आपको मालूम ही है इतना वैल्यू दी हुई है, सब आपको ऐसे ही लिख देना है, के की वैल्यू आपको पता चल गई। अब हमें सपोज दैट किसका निकालना है, एन टू, इतने में से हम केवल किसको लेंगे, एन टू किसके बराबर करेंगे, के बराबर। देखो बच्चों यहां कर दिया रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन टू, ठीक है, डी एन टू बाई डी टी इक्वल टू किसके कर देंगे, के की वैल्यू कितनी है, इतना, इसका मतलब ये निकल गया। फिर दूसरा बार क्या हमें क्या करना है, एच टू, देखो फिर लिखना रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एच टू, फिर डी एच टू बाई डी टी कर देना, फिर किसके इक्वल करोगे, के, तो के की वैल्यू यहां पर थ्री है, सॉरी के की वैल्यू आप यहां पर लिखे 2.5 इंटू 10 टू माइनस 4, तो देखो 2.5 इंटू 10 माइनस 4, अब ये देखो 1 बाई 3 था, तो यहां क्या रहता था 1 बाई 3 था, अब ये जो 3 जो नीचे था वो कहां चला गया, इसके साथ चला जाएगा, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह क्या हो जाएगा आपका रिएक्शन से जो क्वेश्चन था वो आंसर आपको मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन और ही बच्चों, ये भी बहुत अच्छा है, क्या हो तो देख लो और इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। अब देखो द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर इज ए, ए की वैल्यू आपको दी हुई विथ यूनिट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, ए लिखा हुआ है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए फिर टू फॉल फ्रॉम 0.1 मोलर से इतना 0.075 मोलर हो जाता है, इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन सब कुछ वैसे लिखना है। फिर आप देखेंगे कंसंट्रेशन कितने से घट रही है, 0.1, तो आप यहाँ 0.1 कितना हो जा रही है, 0.075 ये लिख देंगे, फिर K की वैल्यू कितनी दी हुई इतनी बस कैलकुलेट कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह आज हमने केमिकल काइनेटिक्स में आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आपको हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बता दिया और उसका जो है कि टी हाफ भी बता दिया, आपको अभी भी बता दे रहे हमेशा याद रखना है कि जीरो ऑर्डर का जो रेट होता है इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन पर, लेकिन टी हाफ वो क्या करता है, डिपेंड करता है किस पर, इनिशियल कंसंट्रेशन पर। ये क्वेश्चन खूब आता है बच्चों, एकदम रट लेना, और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम्स होगी तो आप हमें मैसेज बॉक्स में क्या करिएगा, देने की कृपा करिएगा। जय हिंद।